यामाहा फसिनो 125 में कंपनी ने स्पेशल एडिशन के साथ इसको लॉन्च कर दिया। इसमें तीन नए बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि फसिनो 125 में क्या कुछ नया स्पेशल एडिशन में देखने को मिल रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस तरीके का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले अपडेट की अगर बात करिए तो इसमें तीन नए क्रॉप ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मैट रेड, मैट ब्लैक और आपको डार्क मैट ब्लू, तीन क्रॉप ऑप्शन नया देखने को मिलेगा स्पेशल एडिशन में। साथ ही इसमें जो ग्राफिक्स है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट वाली एप्रन पे और साइड में हल्की सी ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी, और जो व्हील्स है वो भी आपको यहाँ पे कलरफुल व्हील्स देखने को मिल जाती है। तो ये यहाँ पे कलर और ग्राफिक्स में आपको यहाँ पे नया चीज देखने को मिल जाता है। वहीं इसकी जो दूसरी अपडेट है, इसमें एंसर बैग का नया फीचर ऐड किया गया है, जिससे कि अगर आप अपने स्कूटर को कहीं पार्क किए होंगे तो ऐसे में आप ऐप के जरिए ये पता कर सकते हैं आपके स्कूटर्स कहाँ पे पार्क है, क्योंकि जैसे ही एंसर बैग आप क्लिक करेंगे आपके स्कूटर्स के जो ब्लिंकर्स है वो ऑन हो जाएंगे, साथ ही जो हॉर्न है बीप का साउंड इसमें करेगा। तो आपको एंसर बैग का यहाँ पे नया फीचर इसमें स्पेशल एडिशन फसिनो 125 में देखने को मिलेगी। तीसरे अपडेट की अगर बात करें तो इसकी जो प्राइस है पहले से थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ लॉन्च की गई है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलेगी। तो इसमें जो मैट रेड है और मैट ब्लैक है, इसके जो एक्सम प्राइस है दिल्ली में 93,730 यानी कि 93,730 रुपये तक रखी गई है। लेकिन वही अगर आप इसका डार्क मैट ब्लू लेते हैं, इसका एक्सम प्राइस 94,530 यानी कि 94,530 रुपये तक रखी गई है। यानी कि जो रेड कलर और ब्लैक कलर के साथ लॉन्च हुई है, इसके पहले जो डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ मिलती थी सबसे टॉप मॉडल, उससे इसकी प्राइसिंग 1600 यानी कि 1600 रुपये तक ज़्यादा प्राइस बढ़ा के इसको लॉन्च की गई है। तो अगर आपको स्पेशल एडिशन पसंद आता है तो इसमें आपको तीन नए कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, एंसर बैग का नया फीचर मिल जाएगा और इसकी प्राइस आपको 1600 रुपये तक ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो यामाहा फसिनो 125 हाइब्रिड में नया अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी सारे जो फीचर्स पहले मिलते थे वो आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। सीट के नीचे आपको 21 लीटर का स्टोरेज मिल जाएगा, मल्टी फंक्शन की स्विच मिल जाता है, इसके अलावा फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा। यामाहा वाई कनेक्ट ऐप के जरिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं, E20 फ्यूल कैपेबल है। बाकी अगर आप इसका रिव्यू वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं यामाहा फसिनो का, तो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख सकते हैं। हालांकि वो स्टैंडर्ड मॉडल है, लेकिन जो स्पेशल एडिशन में जितने बदलाव किए गए मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।